हेलो डियर फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। आप सभी का नकेडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स में कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। आज हम मेंचुरेशन के सेशन थर्ड में डिस्कस करने वाले हैं समद्विबाहु और समबाहु से रिलेटेड फॉर्मूला, कुछ नए फैक्ट्स। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे फर्स्ट और सेकंड लेसन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें देख सकते हो, और 100% आप उसमें बहुत कुछ नया सीख रहे होंगे। और एग्जाम क्रैक करने में यही नए फैक्ट आपको उन सभी से आगे लेके जाते हैं। तो चलिए मैथ्स को शुरू करते हैं। और सीखना मैथ्स बहुत भी आसान है, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, तो इसमें हमने एक तो पढ़ा था विषमबाहु ट्राइंगल, और एक हमने पढ़ा था समबाहु ट्राइंगल। इसके सारे फैक्ट हम जान चुके हैं। तो आज के सेशंस में हम जो डिस्कस करेंगे ना, वो दो नए रहेंगे हमारे। एक तो रहेगा समद्विबाहु और एक रहेगा समकोण। तो ये आज दो ट्राइंगल और पढ़ेंगे, और दोनों ट्राइंगल के कुछ नए फैक्ट भी जानेंगे। फिर उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल को टारगेट करेंगे। तो हम विषमबाहु पढ़ चुके हैं, हम समबाहु भी पढ़ चुके हैं, आज हम समद्विबाहु और हम समकोण दोनों पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। समद्विबाहु की बात करें तो आप सभी अच्छे से परिचित हो, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइडें बराबर हो। तो दो साइड बराबर होगी, समद्विबाहु होगा, जैसे ये साइड ए है, ये साइड ए है, और ये साइड बेस बी है, तो इनका बेस एंगल भी बराबर होगा। ये बात ध्यान रखना, हमें पता नहीं है कितना होगा, बट होगा बराबर। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दोनों एंगल भी क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। तो ये तो बात आपके समझ में आ चुकी है। अब करना क्या है आपको, वो देख लीजिए। करना क्या, हमें इसका परिमाप निकालना तो सबको पता है, बहुत इजी होता है। पेरीमीटर निकालना क्या, भुजाओं का योग होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब होता है एरिया निकालना। मान लीजिए इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तब तो आप ये फॉर्मूला लगा लो, बेस्ट है। मैं तो कहता हूँ याद नहीं है तो यही लगा लो, तीनों भुजाएं मान रख दो। अभी भी फिर भी चाहते हो हमें याद है, तो ये रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब देखो इसका कोई सीधा फॉर्मूला नहीं होता है समबाहु की तरह, बेस इनटू हाइट। अब पहले हमें यहाँ से हाइट निकालनी है, हाइट। तो मैं एच का मान निकालूंगा यहाँ से, ये आपकी मान लीजिए आपने ऊंचाई खींची है यहाँ से, मान लीजिए जैसे ये सीधी तो लाइन नहीं आई है, कोशिश करता हूं ताकि ये थोड़ा डायग्राम सही बने। बिल्कुल, तो यहां से हमने क्या किया है, इस हाइट को थोड़ा सा हम चेंजेस कर लेंगे, और कुछ नहीं। ये लीजिए हाइट, ये एच है, तो ये साइड का हाफ होगा बी बाई टू। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और आज पाइथागोरस भी प्रमेय पढ़ाने वाले, तो हम एच का मान क्या आएगा, ए स्क्वेयर में से बी बाई टू का स्क्वेयर घट जाएगा। तो ए का स्क्वेयर ए स्क्वेयर ही होता है, इसका बी स्क्वेयर बाई फोर आएगा। एलसीएम लोगे तो यहाँ से ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर बाई फोर आएगा, घटा लेंगे, तो ये चार ए स्क्वेयर में से बी स्क्वेयर गया बटे में चार। तो हम सरल करेंगे ना, तो चार ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और बटे में दो ही आएगा, ये इसकी ऊंचाई होती है। तो अगर आप हाइट निकालना चाहो ना, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अब एरिया निकालना है तो इस हाइट को हमें यहाँ रखना है और सरल करना है, वो मैं करके दिखाता हूँ। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस बी है, हाइट हमारा चार ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर बटे दो है, सरल कर लेंगे 1/4 बी चार ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद करना और एग्जाम में यूज कम होता है, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप फॉर्मूले को याद ही ना करें, और आप हीरोइन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, और एग्जाम में जब भी आए आराम से इसको डील। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते, समकोण। हमें समद्विबाहु में केवल उतना ही पढ़ना था, समकोण सबसे इम्पोर्टेंट। देखो समकोण में क्या होता है, एक 90 डिग्री का कोण होता है बस। ये हमारा बेस होता है, ये हमारी हाइट होती है, ये हमारा हाइपोटेनिस होता है, कर्ण होता है। हिंदी में देखें तो ये आधार, लंब, कर्ण, अब सुनो। अब हमें इसका एरिया निकालना, तो बहुत ही इजी पॉइंट है एरिया निकालने के लिए, 1/2 बेस इनटू हाइट। पिछली बार पटवार में सेम क्वेश्चन आया था फॉर्मूले का, सीधा सीधा फॉर्मूले का। पेरीमीटर आपको पता ही है,
आधार लंब प्लस पर। क्या समकोण त्रिभुज इतना सा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समकोण त्रिभुज के बारे में आपको बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत है कि किस प्रकार से इन सर्कल बनता है, कैसे सर्कम सर्कल बनता है, मैं वो सारी चीजें आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इसके अंदर अगर अंतर्वर्त बना है, जैसे ये अंतर्वर्त बना है, ये स्मॉल आर, ये भी इसकी स्मॉल आर है, ये भी इसकी स्मॉल आर। आपको पूछे स्मॉल आर बताइए, तो देखो मैंने एक विषमबाहु की स्मॉल आर बताई थी, मैं इधर लिख रहा हूं, वो थी डेल अपॉन एस, और कैपिटल आर बताई थी एबीसी अपॉन फोर डेल, डेल का मतलब एरिया, ये किसमें था? विषमबाहु में। कुछ याद आ रही है क्या? पुरानी बात है, मैं मान के चलता हूँ आपको सब याद है। फिर मैंने आर बताई थी ए वाई टू रूट थ्री, और मैंने आर बताई थी ए वाई रूट थ्री, ये सर किसमें बताई थी आपने? ये मैंने बताई थी समबाहु में। तो मैं मान के चलता हूँ आपने ये दोनों वीडियो देख लिए। अब आते हैं समकोण में। सर समकोण में कुछ हेल्प करो ना। बिल्कुल, ये हमारा होगा आधार लंब माइनस करण वाई टू। इनके प्रूफ जानने हैं तो आप कमेंट करोगे तो इनके प्रूफ, जैसे इनके प्रूफ बताए थे वैसे इनके भी प्रूफ बता दिए जाएंगे, आप तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल आर की। कैपिटल आर की, तो कैपिटल आर के लिए हमारे पास बहुत ही इजी फंडा है कैपिटल आर निकालना। मिड पॉइंट होता है कैपिटल आर, ये मिड पॉइंट। तो कैपिटल आर जो आएगा वो मिड पॉइंट आएगा इसका, किसका? जो हमें डायग्राम दे रखा है, तो करण का। बस खत्म बात। ये दो फॉर्मूले आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े क्वेश्चन यहां से करने में हेल्प मिलेगी, तो आप आराम से इनको देखिए और करें। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एक पॉइंट और करते हैं। एक पॉइंट और सर, क्या बता रहे हो सर? बिल्कुल बता, ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, उसे भी करते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रिपलेट, समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट, पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड। आप सभी जानते हो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? बिल्कुल, ये एग्जाम में आपके जो मैं अभी करा रहा हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाली बातें, ये आपको आनी भी चाहिए। पाइथागोरस ये होता है देखो आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर और करण स्क्वायर। अगर ऐसी तीन संख्याएं जो इसको फॉलो करें उसे हम ट्रिपलेट में लेके चलते हैं। जैसे तीन का स्क्वायर होता है 9, चार का स्क्वायर 16, बराबर 25 होता है जो कि 5 का स्क्वायर। ये चीज, तो हमारे पास मुख्य ट्रिपलेट है 3 4 5, यानी इनमें से 5 तो होगा करण, 5 तो होगा करण, ये आधार लंब कुछ भी हो सकते हैं, आपस में बदल सकते हैं, ऐसे समझे बात को? बिल्कुल सर। तो हम कुछ ट्रिपलेट और समझेंगे इनकी हेल्प से। 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, इसका डबल 10। इसका फिर से 3 गुना कर सकते थे, 3 का 3 गुना 9, 4 3 12 15, 4 गुना भी कर सकते थे, 12 16 20। ये कुछ ट्रिपलेट है जो इनकी मदद से बनते हैं। इसे 5 12 13, ये भी ट्रिपलेट है, तो 5 का डबल 10, इसका डबल 24, इसका डबल 26, ये भी ट्रिपलेट है कुछ इंपॉर्टेंट। ये खुद में एक ही ट्रिपलेट काफी है, जरूरत नहीं है 7 24 25, ये भी ट्रिपलेट काफी है, जरूरत नहीं है 8 15 34 का, सॉरी 17 का, डबल नहीं करना, 8 15 17 का, और ये भी ट्रिपलेट 9 40 41 का भी काफी। ये कुछ ट्रिपलेट है, यानी ट्रिपलेट का मतलब देखो, एग्जांपल देखो, अगर मैंने आपको कहा ये समकोण त्रिभुज है, मैंने कहा ये 10 है ये 8 है, तो आपको पता चल जाएगा ये 6 होगी, सीधी 6, ये ऐसे, मतलब इसी तरीके से यूज करना है, ये 10 होगा ये 6 होगा, और बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। अगर ये नहीं आते तो हम जैसे आर का मान निकालना, कैपिटल आर स्मॉल आर, अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल आर पूछा होता, कैपिटल आर, तो आप निकालते करण का आधा, 10 का आधा 2 5 से, और स्मॉल आर पूछा होता तो 6 + 8 - 10, आधार लंब माइनस करण, तो 4/2 2 से। ये इस प्रकार से आपकी मदद करेंगे।
समझ गए होंगे कैसे आर निकालते हैं, कैसे कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस ट्रिपलेट। एक पॉइंट और बता देता हूं, सबसे बड़ा पॉइंट स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सब कुछ। ये ए है, ये बी है, ये सी, हमारा ये 90 डिग्री का कोण। लेकिन अगर मैं इस भुजा से सम्मुख भुजा पे परपेंडिकुलर डालो, 90 डिग्री का कोण डालो, इस पी का मान पूछ ले, जैसे ये हमारा करण है, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, तो हमें अगर इसका मान पूछे तो देखिए, तो मेरी बात सुनिएगा, आपको निकालना है केवल करण का मान। करेंगे कैसे हम इसमें, इसी डायग्राम को अगर रोटेट, पहले देखो इस डायग्राम का एरिया बताओ सर, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई या आधार इंटू लंब। अब इसी डायग्राम को मैं रोटेट कर दू, रोटेट घुमा दू, हमने इस डायग्राम को रोटेशन में ला दिया। कैसे, मैं डायग्राम तो छोटा बनाऊंगा बट आप समझ लो, अगर मैंने इस डायग्राम को रोटेट किया तो कुछ डायग्राम ऐसा दिखेगा। ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये करण होगा, और ये 90 डिग्री वाली भुजा है इसमें पी। अब इसका मुझे एरिया निकालना हो तो मैं ऐसे निकालूंगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो आप मुझे बताइए बेस कितना है यहाँ पे, 1/2 बेस है करण और हाइट है पी। तो दोनों डायग्राम सेम है, आप छोटा मोटा मत समझना, दोनों डायग्राम सेम है तो दोनों का एरिया भी तो सेम होगा, दोनों का एरिया भी तो सेम होगा, तो एरिया सेम कर लेंगे। 1/2 इसका है करण इंटू पी और उसका है 1/2 आधार इंटू लंब। तो अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, आपका आएगा आधार इंटू लंब और बटे में करण। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, तो भैया आपको आना चाहिए और आराम से करना, एरिया 1/2 करंट पी, ये वाला फंडा। तो ये कभी कभी मान निकालने में आता है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस का हमने एग्जांपल लेके बता देता हूँ आज, कि 6, 8, 10 भुजा है तो आपको पी का मान निकालना हो तो 6 × 8 और बटे 10 करके निकाल सकते, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ट्राइंगल के सारे फॉर्मूले हो चुके। अब बात करेंगे ट्राइंगल के स्पेशल केसेस, स्पेशल केस पढ़ेंगे। तो मैथ्स चाहते हो अगर मेरे साथ जुड़ के पढ़ना भैया, तो स्पेशल बेस शुरू हो चुके हैं, 7 बजे, 9 बजे और 4 बजे फ्री क्लास। जुड़े अन अकेडमी पे मेरे साथ और मैथ्स को करे बेहतरीन और अपने सरकारी नौकरी के सपने को करे साकार। थैंक यू सो मच गाइज, एंजॉय योर लाइफ, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो।